यील्ड दो टाइप की है, एक को मैंने एक्चुअल यील्ड कह दिया, और एक्चुअल यील्ड जो है इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इन ए केमिकल रिएक्शन। दूसरी यील्ड कौन सी होगी, वो होगी थियोरेटिकल यील्ड, इट इज द अमाउंट फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, जो बैलेंस्ड इक्वेशन से अमाउंट हासिल होती है उसे आप कह देंगे कि ये थियोरेटिकल यील्ड है, जो एक्चुअली हासिल होती है उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। यहाँ कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, जिनमें से ये एक आप देख लीजिए। थियोरेटिकल यील्ड जो है ये ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड होती है। एक्चुअल यील्ड कैन नेवर बी 100%, एक्चुअल यील्ड कभी भी 100% नहीं हो सकती, यानी कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड की रेशो अगर आप निकाल लें तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, और अगर आप एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की रेशो निकाल लें तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगी। ऑब्वियस बात है ये कि अगर एक्चुअल यील्ड क्योंकि स्मॉलर वैल्यू है तो आप उसे लार्जर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी हमें देखनी चाहिए, और वो ये है कि जो परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज यील्ड, ये एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ऐसे अगर आपको सवाल आ जाए एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, ऑप्शन दे दे वो अल्फा ऑप्शन यील्ड, बीटा ऑप्शन एक्चुअल यील्ड, चार्ली ऑप्शन थ्योरेटिकल यील्ड, और डेल्टा ऑप्शन परसेंटेज यील्ड, तो आप कहेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय परसेंटेज यील्ड।